वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जहां इसकी शुरुआत दिल्ली से कही, वहीं कई बड़ी बातें भी कही गई। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी से कार्यक्रम में शामिल भी हुए। तो योगी आदित्यनाथ ने भी कई बड़ी बातें कही, किस तरीके से आगाज हुआ है डिजिटल इंडिया का, 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है। अब ये देखिए कार्यक्रम की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। और जो दूसरी तस्वीर है जहां से योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में जुड़े, वाराणसी रुद्राक्ष सेंटर, उसकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी ने 5G की शुरुआत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में इससे मदद मिलेगी। जी के जिन्होंने डिजिटल इंडिया के इस फिफ्थ जनरेशन की सुविधा से आज देश को जोड़ा है और देश के साथ काशी को भी जोड़ा है, मैं काशीवासियों की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने भारत। इसे अचीव करने के लिए ये हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अति महत्वपूर्ण है और इसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं इस ग्रिड से जो जुड़े हुए कैप्टन हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव को जोड़ने में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश हर गांव में ग्राम सचिवालय के माध्यम से 243 प्रकार की सेवाओं को केवल गांव में ही गांव के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। वहीं भारत में 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान से इसकी शुरुआत की। पहले चरण में देश के 13 शहरों में सुविधा की शुरुआत की गई। यूपी के वाराणसी और लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि देश को नवरात्र के मौके पर उपहार मिला है, ये भारत का दशक नहीं बल्कि भारत का शताब्दी है। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी अब 4-5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। डिजिटल क्रांति में नए अध्याय का आगाज हुआ है। कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई उसकी पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां पहुंचे, तकनीक पर चर्चा की, प्रदर्शनी भी देखी, साथ ही साथ उपकरण देखते देखते उन उपकरणों के बारे में पूरी जानकारी भी प्रधानमंत्री ने जुटाई। तो न्यू इंडिया की डिजिटल उड़ान जो कि शुरू हो चुकी है, 5G सेवा की शुरुआत देश में हो चुकी है और 5G सेवा के साथ नया आगाज होगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। लखनऊ से खबर जहां वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम आवास पर आधी रात को फोन करके धमकी दी गई है। जिस नंबर से फोन कॉल आया वो वाराणसी के एक सब्जी विक्रेता का है। सब्जी विक्रेता ने मोबाइल चोरी होने की बात कही है। जिस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, वही ज्ञानवापी का केस भी है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर फैसले को सुरक्षित रखा हुआ है। 8 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है, फैसला सामने आना है, लेकिन उससे पहले वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सीएम आवास पर आधी रात को फोन करके धमकी दी गई है और हैरानी की बात यह है
कि जिस नंबर से फोन कॉल आया है वो वाराणसी के एक सब्जी विक्रेता का नंबर है। सब्जी विक्रेता ने मोबाइल चोरी होने की बात कही है। जिस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, वही ज्ञानवापी का केस भी है। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में फैसला वाराणसी कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और उसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या अभी तक ये पता चल पाया ये किसका नंबर है? ये तो पता चल गया सब्जी विक्रेता, लेकिन किसकी ओर से फोन किया गया, उसकी लोकेशन क्या है, कोई जानकारी इसकी? देखिए गुंजन, ये बृहस्पतिवार देर रात की बात थी जब मुख्यमंत्री आवास पर किसी ने कॉल की और कहा कि वो वाराणसी कोर्ट को बम से उड़ा देगा। क्योंकि मामला संवेदनशील है, ज्ञानवापी केस की सुनवाई चल रही है, उसमें फैसला भी आने वाला है, इसलिए सतर्क हो गए। हालांकि वहां जो कॉल रिसीव की थी जिन सुरक्षा कर्मियों ने, उन्होंने पूछा कि कौन बोल रहा है, तो उधर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हड़कंप मचा। जिस नंबर की बात थी, जिस नंबर से कॉल आई थी, तुरंत जो एसटीएफ के अलावा जो स्थानीय पुलिस है, इसके अलावा साइबर सेल के लोग हैं, उनको लगाया गया, नंबर लोकेट किया गया। वाराणसी का ही नंबर है, पर ये पता चला कि किसी सब्जी वाले का के नाम से वो रजिस्टर था, सब्जी वाले की बेटी के नाम से रजिस्टर था। वहां तक पहुंची पुलिस, उससे पूछताछ की तो उसने कहा चोरी हो गया था फोन, और वो सिंपल साधारण सा एक फोन है जो फीचर फोन होते हैं, उस तरह का उसका फोन था और चोरी हो गया था। लेकिन कब चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, ये अभी तक पुलिस फाइंड आउट नहीं कर पाई है। और किसने चोरी किया, क्योंकि ऐसी जगह पर जहां वो उसकी सब्जी की दुकान है, वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। पिछले 10 दिनों का रिकॉर्ड निकलवाया गया है कि अगर कोई मिल जाता है। मामला है बेहद संजीदा है, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला जिस पर फैसला आना भी बाकी है, उसी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बृहस्पतिवार का आप मामला बता रहे हैं, तो आज शनिवार है, क्या अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगाए? देखिए, चोर जिसने चोरी की है, ये माना जा रहा है कि ये शरारती तत्वों की हरकत है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश या ऐसी कोई संगठन की बात अभी तक सामने नहीं आई जो छानबीन कर रही है। साइबर सेल हो, चाहे एसटीएफ हो, या वाराणसी और लखनऊ की पुलिस हो, यानी ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है दोनों पुलिस से। तुरंत जब इस तरह की धमकी आई है, तो तुरंत वाराणसी पुलिस से, लखनऊ पुलिस से संपर्क किया और उनको बताया कि ऐसी ऐसी धमकी आई है, तो कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, जो निगरानी है, निगरानी है, क्योंकि त्योहारी माहौल है, संवेदनशील बढ़ी हुई है। सीएफआई के लोग भी एक्टिव हैं, तमाम जो अराजक अतिवादी संगठन है उसके लोग भी एक्टिव हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ भी इसके पीछे कोई भी साजिश भी हो सकती है, या फिर जो प्रैंक कॉल्स होती हैं, जो नंबर मिल जाते हैं और लगातार इस तरह के लोग धमकी दिया करते हैं अराजकता फैलाने के लिए या कानून व्यवस्था को कुछ एक चुनौती देने के लिए, तो उस तरह की कॉल भी हो सकती है। हर पहलू को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए दोनों जनपदों की कमिश्नरेट की पुलिस काम कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी लगी हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जिसने चोरी किया है उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया जाए। हालांकि मोबाइल फोन स्विच ऑफ जा रहा है उसके बाद से, लगातार लगभग एक दिन से ज्यादा का समय हो गया है। बृहस्पतिवार रात और कल शुक्रवार का पूरा दिन तलाश की गई, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है, इसलिए पुलिस को आगे की लीक नहीं मिल पा रही है कि आगे आखिर कौन, जब फोन खुलेगा तब ये पता चलेगा कि कौन बिल्कुल, है। बिल्कुल देखना होगा विवेक, कब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग लग पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां रामलीला मैदान में झूला टूट गया है और ट्रॉली टूटने से 2 बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। झूला टूटने का वीडियो भी वायरल हुआ है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, ट्रॉली टूटने की वजह से हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद से तस्वीरें आई हैं, रामलीला मैदान में झूला टूटा है। रात्रों के मौके पर जगह जगह पर मेले लग रहे हैं और देखिए किस तरीके से झूला टूटा है और अंदाजा लगाइए इस ट्रॉली में जो बच्चे या जो लोग बैठे होंगे वो कितनी बुरी तरीके से घायल हुए होंगे। बहरहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, झूला टूटने का ये वीडियो वायरल हुआ है। रामलीला मैदान गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस झूले की ट्रॉली अचानक से टूटती है, 2 बच्चे उसमें मौजूद होते हैं और 2 लोग मौजूद होते हैं, 2 बच्चों के साथ साथ 2 और लोग, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। पूरी जानकारी लेंगे, शक्ति हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। शक्ति, हम तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हादसा कितना ज्यादा भयानक हुआ है, जो 4 लोग हैं उनकी हालत कैसी बनी हुई है इस वक्त? ये देखिए भयावह तस्वीर है और डरा देने वाली तस्वीरें हैं। गाजियाबाद के ये रामलीला मैदान का मामला है, जो सुल्लामल रामलीला मैदान है उसका ये पूरा मामला है। अगर
बात की जाए कि वो लोग कैसे हैं। हालांकि प्रथम उपचार के दौरान उनकी जो हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है वो लोग अपने घर पर हैं, लेकिन काफी डरा देने वाली तस्वीर है। अगर बात करें उन लोगों की जिनको इसमें चोट आई, तो उन लोगों का ये कहना कि पहले ही हमने जो झूले का ठेकेदार था, जो झूले के मालिक थे, उसको कहा था कि इसके जो नट बोल्ट हैं वो ढीले हैं, यानी कि अगर समय रहते हुए ही अगर वो नट बोल्ट टाइट कर लिए जाते तो शायद ये तस्वीर जो हमारे सामने आई है, डरा देने वाली तस्वीर जो सामने आई है, वह तस्वीर सामने ना आती और इसमें जो बच्चे और महिला जो घायल हुए हैं वो घायल ना होते। हालांकि इसमें अगर बात करी जाए जिलाधिकारी गाजियाबाद की, तो तस्वीर आने के बाद उन्होंने इसमें एक जांच कमेटी जो टीम है वह गठित कर दी और पुलिस के पास अभी तक कोई शिकायत अभी नहीं पहुंची है। हालांकि जिनको चोट लगी है उनसे जब हमने सवाल पूछा तो उनका ये कहना है कि अब मैं इसमें तहरीर देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसके नट बोल्ट ढीले हैं। जिस तरीके से आजकल ये नवरात्रों का पर्व चल रहा है और रामलीलाएं चल रही हैं, उसमें जो झूले हैं, बड़े बड़े झूले हैं, खतरनाक झूले हैं जिन पर बच्चे झूले झूलते हैं, अगर कहीं भी उसमें कमी है तो अगर इस तरह के सीन, इस तरह के डरा देने वाले सीन कहीं ना कहीं डरा देते हैं उन लोगों को। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि रामलीला के वक्त में जगह जगह मेलों का आयोजन हो रहा है और जहां भी मेले लगे हुए हैं वहां पर इस तरीके के झूले भी हैं, जहां पर परिवार वाले खुद भी जाते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, तो क्या इन झूलों का पहले से चेक नहीं होता इनको? देखिए बिल्कुल, जिस समय ये झूले लगाए जाते हैं उस समय तो ये चेक होते हैं, लेकिन जब इस पर दिन बीत जाते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, तो धीरे धीरे इनके जो नट बोल्ट हैं वो ढीले होते चले जाते हैं। अगर रोजाना इनके नट बोल्ट टाइट होते रहे तो इस तरह के जो डरावने जो हादसे हैं वो सामने ना आए और इसमें लोगों की ना जान जाए। ऐसे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जो पंजाब में देखने को मिला था कि एक झूला गिर गया था, तो ऐसे झूले ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं। लेकिन नवरात्रि का जिस तरह पर्व चल रहा है और इस समय जो माहौल है वह माहौल त्योहारों का है और उसमें झूले लगाए गए हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं बिल्कुल जो लोग घायल हुए हैं क्या कहना है उनका, क्या वो कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में हमें जो चोटें आई हमें गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया, हमारा उपचार भी कराया गया जो प्रथम उपचार है, उसके बाद हमें घर छोड़ दिया गया। लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि क्योंकि ये हादसा है, इस तरह का हादसा, इसमें जान भी जा सकती थी, तो अब हम इसमें तहरीर देने की भी सोच रहे हैं कि तहरीर भी इसमें क्यों ना दे दी जाए, ऐसा वो विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है पुलिस अधिकारियों का कि हमारे पास अगर तहरीर आती है तो हमें इसमें मुकदमा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, अगर जैसी तहरीर आएगी तो हम इनके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। वहीं अगर जिलाधिकारी गाजियाबाद की बात है, ठीक है, ठीक है, गाजियाबाद नहीं, बिल्कुल बड़ा हादसा है, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, बृजलाल खाबरी बने हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, बड़ी जानकारी आपको दे दें। अजय राय, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे, वीरेंद्र चौधरी, अनिल यादव और योगेश दीक्षित होंगे कार्यकारी अध्यक्ष, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। बृजलाल खाबरी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है पिछले चुनावों से, उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करे, और इसी बीच बड़ी खबर, वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, बड़ी जानकारी है, नए अध्यक्ष को बनाया गया है बृजलाल खापरी। 2022 में रिजल्ट निकलने के बाद अजय लल्लू के इस्तीफे के बाद लगभग 6 महीने हो गए और 6 महीने के बाद कांग्रेस ने फैसला किया है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला अभी करने ही वाली है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उसके अध्यक्ष का घोषणा कर दिया है कांग्रेस ने। बृजलाल खाबरी उरई जालौन के रहने वाले हैं, सांसद रहे, लोकसभा से भी सांसद रहे हैं और राज्यसभा के भी सांसद रहे, बसपा की राजनीति करते रहे, दलित चेहरे हैं बृजलाल खाबरी, और चुनाव उन्होंने कांग्रेस से 2019 में लड़ा बृजलाल खाबरी ने लोकसभा का सीट, तो चुनाव हार गए और 2014 में भी बसपा से चुनाव लड़े थे तो भी हार गए। हालांकि बृजलाल खाबरी 2009 में चुनाव 1999 में एक बार लोकसभा बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, 1999 में राज्यसभा के भी सांसद रहे, 2008 में बसपा से ही उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था, 2017 के विधानसभा चुनाव में बृजलाल खाबरी ने ललितपुर जनपद के मैरोनी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन वे चुनाव हार गए थे। बसपा में जब तक रहे राजनीति इनकी ठीक चलती रही और राजनीति में ये सांसद होते रहे, लेकिन कांग्रेस में जब जब वो चुनाव लड़े चुनाव हारे, और ऐसे में बृजलाल खाबरी दलित चेहरे के तौर पर
जो पिछड़ा चेहरा अजय लल्लू के रूप में कांग्रेस ने पिछली दफा कांग्रेस का अध्यक्ष प्रदेश में बनाया था, इस बार दलित चेहरे पर दांव खेला है। और बृजलाल खाबरी जो पूर्व सांसद है, सपा की राजनीति करते हैं, मायावती के बेहद करीबी माने जाते रहे बृजलाल खाबरी, और बहुत ही सौम्य में चेहरा है बृजलाल खाबरी जी। लेकिन लेकिन आप बता रहे हैं कांग्रेस में इनका इतिहास कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी समझी जाए एक दलित चेहरे को उतारने की जब 24 का चुनाव सर पर है? तो देखिए हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो मूलभूत वोटर था वो दलित था, ब्राह्मण था, मुस्लिम था। तो एक बार कांग्रेस फिर अपने, हम कह सकते हैं कि बैक टू रूट है, अपने जड़ों की तलाश कर रही है। और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता एक ही दो सीट है कांग्रेस की, उसमें आराधना मिश्रा ब्राह्मण को फेस बनाया है, तो प्रदेश अध्यक्ष पर दलित चेहरे के तौर पर बृजलाल खाबरी को आगे बढ़ाया है। तो दलित ब्राह्मण और जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी को उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनको अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाकर और उन्हें राज्यसभा भेजा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि दलित मुस्लिम और ब्राह्मण फेस को एक बार कांग्रेस फिर यहाँ पर उस दौर को लौटाना बिल्कुल बिल्कुल जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।